ओके सो हे गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस आप सभी ने वीडियो तो देख ही ली होगी, तो आज की वीडियो में हम ये वाली वीडियो एडिट करने वाले हैं। अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे वीपीएन को कनेक्ट कर लेंगे इस वीडियो को एडिट करने के लिए। तो यहाँ पे हम वीपीएन को कनेक्ट कर लेते हैं एंड फिर मैं बताता हूँ आपको कैसे एडिट करना है। ये वीडियो एडिट जो है हम कैपकट ऐप में करेंगे, तो गाइस यहाँ पे सिंपली हम कैपकट ऐप को ओपन कर लेंगे एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको अपनी वीडियोज़ को सिलेक्ट कर लेनी है जो भी आप एडिट करने वाले हो। यहाँ पे गाइस सभी स्टेप को ध्यान से देखना, काफ़ी मज़ा आएगा एडिटिंग में क्योंकि बहुत सिंपल एडिटिंग है। तो मैं आपको बता देता हूँ, अभी आप देखिए यहाँ पे मैं जो है अपनी वीडियोज़ को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे जो जो वीडियोज़ को मुझे एडिट करना है आप भी उसी टाइप की वीडियोज़ जो है मतलब शूट कर लेना। इसमें यार गाइस मतलब ऐसा नहीं है कि आप कुछ थोड़ा मतलब कि अपने तरीके से देखना जो आपको इजी लगे, इस तरीके से वीडियो शूट करना जो भी आपको रखना हो स्टार्टिंग में एंड में जो भी, ठीक है। मैंने गाइस जो स्टार्टिंग में प्रीव्यू में लगाया गाइस वो मैंने अलग तरीके से एडिट किया था एंड अभी मैं वीडियो को अलग तरीके से एडिट कर रहा हूँ इसमें। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ पे, सबसे पहले मैं यहाँ पे ऑडियो का ऐड करेंगे गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे ऑडियो ऐड कर लेता हूँ मैं। अब गाइस देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या है, ऑडियो के अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे वीडियो को एडिट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है जहाँ पे मैंने अभी स्टॉप किया है वहाँ पे गाइस देख रहे हैं आपको बीट जो है थोड़ी ऊपर की साइड में हो रखी है, तो यानी कि यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन आएगा। तो यहाँ पे मैं वीडियो को थोड़ा स्प्लिट करूँगा, ठीक है। कुछ मैं रखूँगा इतना पार्ट, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसे। अब यहाँ पे मैंने स्प्लिट किया एंड बाकी का पार्ट मैं डिलीट करूँगा एंड इस वाले को जो है मैं यहाँ पे इसकी स्पीड को कम करूँगा, ठीक है। एंड इसको जो है मैं बेटर क्वालिटी में कर दूँगा एंड यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे ताकि स्मूथ हो जाए, ठीक है। अब इसको मैं करता हूँ, फिर उसके बाद जो है आपको करना क्या है, आपको देखिए गाइस कुछ इस टाइप से यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक बीट आ रहा है ये वाला, ठीक है। यहाँ पे बीट आ रहा है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम यहाँ पे माइनस पे टाइप करेंगे एंड यहाँ पे ग्लिच में जाके हम ये वाला इफेक्ट लगाएंगे, ठीक है। तो ये जो है हमारे बीट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा। आपने स्टार्टिंग में प्रीव्यू में अगर नोटिस किया हो तो कुछ स्टेप से हमारा ग्लिच का एक इफेक्ट भी है सॉन्ग में, तो आपको कुछ स्टेप से ऐड करना है। देन आपको जो सेकंड क्लिप है उसमें भी सेम यही चीज़ करनी है, जो भी मतलब कि आगे का पार्ट है जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको पहले हम कट करके हटाएंगे, फिर बाकी का जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे रखेंगे जो मेन पार्ट है एंड बाकी का एक्स्ट्रा डिलीट करेंगे एंड उसके बाद इसमें थोड़ा सा स्लोमो ऐड करेंगे हम कुछ इस टाइप से। एंड स्लोमो ऐड करने के बाद कुछ स्टेप्स हम इसमें जो है इसको बेटर क्वालिटी में कर देंगे ताकि थोड़े से स्मूथनेस और अच्छा लगे, ठीक है। आप लोग भी सेम इसी तरीके से करना एंड उसके बाद हम इसको प्ले करेंगे एंड यहाँ पे जो बीट के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे इसको जो है स्प्लिट करेंगे, ठीक है। एंड इतना हो जाने के बाद हम अगेन इस पर माइनस पर टैप करेंगे एंड यहाँ पर हम गाइस कोई एक इफेक्टर लगाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ ब्लैक फेड वाला, एक बार प्ले करके देखते हैं एंड काफ़ी ऑसम लग रही है यहाँ पर वीडियो, ठीक है। अब देखिए गाइस थर्ड क्लिप में आएंगे, थर्ड क्लिप में आने के बाद आपको करना है क्या, यहाँ पे कुछ स्टेप्स से मैं यहाँ पे स्प्लिट करूँगा एंड स्प्लिट करके इसमें भी मतलब सेकंड और फोर्थ वाले को भी ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ से हटाते हैं, ये लिया हमने एंड इसको स्प्लिट एंड डिलीट, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे भी सेम वही चीज़, यहाँ पे स्पीड बढ़ाएंगे थोड़ी सी एंड बेटर क्वालिटी में करेंगे, ओके। मतलब स्लोमो ऐड करना है मतलब हर वीडियो में, ठीक है। आपको हर जो भी शॉट है उसमें स्लोमो ऐड करना है आप सभी को एंड उसके बाद कुछ इस टाइप से हो जाएगा। फिर आपको जो यहाँ पे दिख रहा होगा एक बीट ऊपर की तरफ उठ रही है, तो वहाँ से हम इसे कट लगाएंगे एंड माइनस वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे एंड यहाँ पे गाइस आपको लाइट वाला इफेक्ट है जो इस पे जाना है एंड फर्स्ट वाला इफेक्ट आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे भी एक इफेक्ट का साउंड है क्योंकि, फिर उसके बाद आगे का जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है मतलब कि इसमें भी स्लोमो ऐड करना है हमें, तो बाकी का जो पार्ट है हम इसको डिलीट करेंगे एंड इसमें हम स्लोमो ऐड करेंगे एक बढ़िया सा, ठीक है। अब गाइस देखिए यहाँ पे कलर ग्रेडिंग मैं आपको नहीं सिखा सकता क्योंकि गाइस कलर ग्रेडिंग के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, एक नहीं बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी आपको मेरे चैनल पे, आप जाकर देखना। बाकी जो मेन चीज़ था यहाँ पे आपको म्यूज़िक कट ये सब लगाना वो सब मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। बाकी अगर आपको म्यूज़िक वगैरह ऐड करना है मतलब म्यूज़िक वगैरह के अलावा अगर आपको एडिटिंग भी करनी है तो उसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, वीडियो को जाकर देख लेना मेरे चैनल पर। बस आज की वीडियो में गाइस बस इतना ही, तो आई होप कि आपसे वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना गाइस, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं ऐसे ही कंटेंट लाता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड चैनल काफ़ी डाउन भी जा चुका है यार, तो आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी मिलता हूँ सबसे किसी नए वीडियो में, तब तक लिए कीप लविंग कीप सपोर्टिंग, गुड बाय।